अस्सलाम वालेकुम। आज हम आप लोगों को शाश्लिक चिकन बनाना बताएंगे अम्मा की रसोई पे। और आपने जैसे पहले टेक्नोलूएस का जो कैरेमल पुडिंग है वो तो चेक किया ही होगा, नहीं चेक किया है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी और ऊपर भी आपको लिंक भेज दूंगी, मैं आपको ऊपर मेंशन कर दूंगी। हमने लिया है चिकन 1 किलो बोन वाली, उसके बाद हमने विनेगर डाला 1 ढक्कन, उसके बाद हम यूज़ करेंगे 1 चम्मच, उसके बाद काली मिरी का पाउडर। आप अपने टेस्ट के हिसाब से काली मिरी का पाउडर यूज़ कर सकते हो। और 1 अंडा हमने यूज़ कर लिया, उसमें उसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। हमें बहुत कम नमक ऐड करना है क्योंकि रेसिपी में आगे बहुत सी चीज़ें जाने वाली है। सारी चीज़ें हम अच्छे से मिला लेंगे और हम उसे 1 से 2 घंटे के लिए मैरिनेट होने देंगे चिकन को। चिकन मैरिनेट हो गई है, 1 घंटा हो गया है और साथ ही में हमने राइस को भी बॉईल करके रख दिया था। हमने ले लिया है 1 किलो जितना चावल, उसे हमने हाफ बॉईल कर लिया और उसमें थोड़ा स्वाद अनुसार नमक डाल के हमने बॉईल किया। अब हम जो मैरिनेटेड चिकन है उसे हम फ्राई कर लेंगे हाई फ्लेम पर। हमें गरम तेल में वो चिकन एक एक पीस करके डाल देना है और अच्छे से उसे दोनों साइड से फ्राई कर लेना है ताकि वो पूरी तरह से डीपली फ्राई हो जाए। फ्राई हो चुकी है, हमने प्लेट में निकाल लिया है। अब हम उसकी ग्रेवी बनाना स्टार्ट करेंगे। आप देख सकते हो इतना गरम गरम धुआं आ रहा है गरम गरम चिकन में से। हमने एक पतीला ले लिया चूल्हे पर, उसके बाद हम फ्लेम को हाई रखेंगे। हमने वही तेल यूज़ किया है जो हमने चिकन को फ्राई किया था, वो तेल हमने रीयूज़ कर लिया है क्योंकि वेस्ट तो करना नहीं है। उसके बाद हमने डाल दिया उसमें कटे हुए लहसुन बारीक कट करके, हमें 1 बंच जितना मीन्स 1 कली हमें लहसुन ले लेनी है। उसके बाद हमने डाल दिया इसमें 1 प्याज, हमें थोड़ा उसे मोटा कट करके डालना है। रेड चिली सॉस हम डाल देंगे 2 से 3 टेबलस्पून, आपकी चॉइस के ऊपर है आपको कितना रेड चिली सॉस यूज़ करना है। कैप्सिकम हमने डाल दी मोटा कट करके, तो हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे मीडियम टू स्लो फ्लेम पर और उसके बाद हम बाकी की चीज़ें ऐड कर लेंगे। 1 से 2 टेबलस्पून जितना चिकन मसाला आपको वो कोई भी शॉप पर मिल जाएगा और उसे सारी चीज़ों को मिला लेंगे। हमने जो मैरिनेट करके चिकन रखी थी उसमें जो पानी बच गया था वो हम इसमें डाल देंगे ताकि इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाए। और उस काली मिरी का पाउडर हम ऐड कर लेंगे, आप अपनी टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हो इसे भी कि आपको कितना तीखा चाहिए। सारी चीज़ें मिला लेंगे हम। टोमेटो केचप हम यूज़ कर लेंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। हमने नमक नहीं डाला है क्योंकि सॉस में नमक होता है ऑलरेडी और हम स्लो फ्लेम पर इसे थोड़ा भूनने देंगे। अब हम उसमें थोड़ा सा शुगर ऐड करेंगे ताकि वो थोड़ा मिठास का टेस्ट आ जाए। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। उसमें हमने एक ले लिया है कटोरी, कटोरी में हमने डाल दिया है कॉर्नफ्लावर लगभग 1 से 2 टेबलस्पून, उसमें थोड़ा पानी हमने ऐड कर लिया है और हम अपनी ग्रेवी में डाल देंगे ताकि वो थोड़ी थिक हो जाए। और सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे और तब तक हम उसे थोड़ा पकने देंगे आपको जब तक उसकी कंसिस्टेंसी गाढ़ी ना मिल जाए। और उसके बाद हम फ्लेम बंद कर देंगे, हम नेक्स्ट स्टेप पे और आएंगे। उसके बाद हम लेंगे एक पतीली, उसमें हम डालेंगे 2 से 3 अंडे क्योंकि हम बनाने जा रहे हैं जो हमने राइस को बॉईल किया था वो हम बनाने जा रहे हैं। 3 अंडे डाल दिए हमने, हम उसे स्लो फ्लेम पर अच्छे से अंडे को पका लेंगे। उसके बाद हम डालेंगे वेजिटेबल्स, हमने यूज़ किया है चॉप किया हुआ कैबेज लगभग 1/2 बाउल जितना, और उसके अंदर हम यूज़ कर लेंगे बाकी के वेजिटेबल्स जिसमें है जो स्प्रिंग अनियन है उसका जो ग्रीन वाला पार्ट है वो हम चॉप करके डाल देंगे 1/2 बाउल जितना। उसके बाद हम बॉयल चिकन, हमने इसमें जो श्रेड चिकन हमने डाल दी है उसके रेशे निकाल दिए, ऑप्शनल है आपको यूज़ करना है तो आप फ्राइड राइस में चिकन डाल सकते हो। हमने डाल दिया चिकन मसाला फिर से लगभग 1 टीस्पून जितना टेस्ट के लिए। हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे, उसके बाद हम ऐड कर लेंगे काली मिरी का पाउडर और उसके बाद अच्छे से हम उसे फ्राई कर लेंगे। जो चिकन है वेजिटेबल्स है उसे फ्राई कर लेंगे। हमने डाल दी ग्रेटेड मींस खुरची हुई गाजर, ग्रेटेड हमने गाजर ऐड कर दी और हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम बाकी के राइस ऐड कर लेंगे और फिर से हम उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो भी वेजिटेबल्स है चिकन है वो चावल में आ जाए। अब हम सारी राइस को ऐड कर चुके हैं, अब हम उसे दम पर दे देंगे स्लो फ्लेम पर ताकि जो थोड़ा बहुत पानी है चिकन का या वेजिटेबल्स का वो सूख जाए। अब हम उसे सर्व कर देंगे राइस और हमारी ग्रेवी को। शाश्लिक चिकन रेडी हो चुकी है, बहुत इजी है, बहुत ही जल्दी बन जाता है। ज़रूर ट्राई करें ये चिकन,
मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ के लिए। अल्लाह हाफिज़।